अश्लीलता को खत्म करना चाहते, अश्लीलता के खिलाफ है, तो कमेंट करिए कि हाँ हम लोग अश्लीलता के खत्म करना चाहते हैं, और क्या आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो अश्लीलता को खत्म करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, सभी बड़े यूट्यूबर, और जहां तक हो सके वीडियो को जो भी हो लाइक ना करे चलिएगा, शेयर जरूर करिए, और हम लोग अगर जो भी अश्लीलता मुक्त करना चाहता है कमेंट जरूर करे, और जो अश्लीलता के खिलाफ आना चाहता है कमेंट करे, और जो अश्लीलता बना रहा है उसके ऊपर एक्शन लेना है तो कमेंट करे। तो सबसे पहले सोच बदलिए, देश बदलेगा। और तो अभी दोस्तों आप लोग देखें, जैसे कि रात को लाइव आके हम जो मैंने गलती नहीं किया उसके लिए मैं माफी मांगा भैया, ठीक है। और आज जो है अश्लीलता को खत्म करने का मैंने एक उपाय लगाया है। देखिए YouTube से अश्लीलता कैसे खत्म होती है, कब खत्म होती है, इसका कोई सीमा नहीं है भैया। लेकिन सबसे पहले अपने घर को, अपने आप को, अपने समाज को साफ सुरक्षा करेंगे तभी दूसरों को कह सकते हैं। सही बात है। और इसके लिए जो है हम लोग एक तरीका निकाले हैं, बताएंगे आप लोग, वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और एक चीज और बताना चाहते हैं कि गोरखपुरिया भाऊजी का एक वीडियो अभी आया है जो कि वो बोल रही हैं, अब देखिए बोल जो आगे पीछे बोले हम उनके बातों को पर्दा डालते हैं, छोड़ते हैं उन बातों को, क्योंकि आज मैं अपने समाज को सुधारने के लिए प्रण लिया है। ओ, अभी देखे हैं एक वीडियो डाला नहीं नहीं है, उनके तो लिए उसमें देखिए नहीं उसमें जो है आप जो जैसे नारी हैं, नारी के ऊपर जो जो चीज नहीं नारी के ऊपर जो चीज लगाया गया है मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। बट जो भी थी मैं उनका नंबर उस मैम को दे दिया हूँ जो उस चीज को की है, कि आपको कैसे बोली है, क्या बोली, क्यों बोली है, वो चीज तो उनसे फरी आएगा कि हमारे वीडियो में आए बोल के चली गई। और हम इसलिए उनका नंबर लिए कि अगर कोई चीज होता सबूत के तौर पे उनका नंबर है, उनसे आप बात करिए। और उसके बाद तो आप क्या करती हैं, आपसे हमें कोई लेना देना नहीं है, जो कि आपने हमको पहले बोला था, अब आपने मजा लिया था तो हमने भी आपको उसका जवाब दिया था, आपने गाली दिया मैंने गाली दिया, आपने जो कहा हमने जवाब दिया, आपने समाज को जो चीज कहा समाज आपको देख रहा है, हम आपको कुछ नहीं कह रहे और ना ही आपके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आपने हमारे घर ये भी बोला कि मतलब बोला था कि मालती अपने खुद बोल रही है अश्लीलता, हमन के अश्लील एक तरह मिल गए हैं, तो आपके बातों को हम लोग भी मजे ले रहे थे क्योंकि आपने इस तरह कहा था। और लक्ष्मण आया था, हम बताना चाहते हैं उसको यहाँ से बोले हैं आज के बाद अगर वो कभी अश्लील वीडियो बना देगा तो बोलना, क्योंकि यहाँ हम लोग डांटे हैं और यहाँ तक कि मीडिया वालों से डर के भाग रहा था, भाग रहा था बंदा खुद, यहाँ तक उसको एहसास हो रहा था कि हम गलत किए हैं। और यहाँ तक भी ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई मैं खुद करूंगा, पहले हमारी बात पूरा सुनिए उसके बाद आप लोग बोलिएगा, अगर गलत हमें जूता उठा के मारिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले अश्लीलता को यदि खिलाफ करना है तो सभी यूट्यूबर लोग जितने भी लोग हैं सबको एक कम्युनिटी बनाना पड़ेगा, ग्रुप, एक ग्रुप की अश्लीलता मुक्त अपने समाज को, अपने गोरखपुर को, अपने यूपी को बनाना पड़ेगा। देखिए मैं आज भी यूपी की बुराई इसलिए कर रहा हूँ कि यूपी बिहार में एक ही फर्क है कि बिहार में जो बेटी अगर कोई भी तनिक से भी उठना चाहती है तो लोग उठा देते हैं, लेकिन अपने मतलब देखो सपोर्ट करते हैं, अगर कोई भी बेटी हो तो उसको आगे बढ़ाते हैं, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं, आप हमारे यहाँ तो मजा लेने वाले हैं सब, हमारे यहाँ बिहार में, हमारे यहाँ यूपी में इस तरह मजे लेने लगते हैं लोग। तो सबसे पहले सोच बदलिए, देश बदलेगा। और अब देखिए मैं उस वीडियो के माध्यम से जो भी बोला हूँ लाइव में 3 घंटा आके बोला हूँ सबसे, और अगर आपको बुरा हमारी बात लगा तो मैं माफी चाहता हूँ। बाकी देखिए अब जो आप पब्लिक से कहीं हैं उस चीज को लेके मैं नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए पब्लिक में कह के फिर उसके बाद दर बदलू, आप तो गिरगिट से भी खतरनाक हो। इस चीज को लेके हम आपको इसलिए नहीं कहना चाहते भाई, अपने शुरुआत आपने किया था, फिर भी मैं उसको अंत किया इसलिए कि चलो छोड़ जाने दो। और अश्लीलता को मुक्त करना है तो सबसे पहले देखिए, जो कि अभी हमसे बात हुआ है कि इस भैया से वेलकम फिल्म सिटी वर्ल्ड से जो कि जो थे, तो हम लोग मिलके कम्युनिटी बनाते हैं जिसमें जितने भी अश्लील वीडियो बनाते हैं तो उन अश्लील लोगों का क्या है YouTube चैनल सामने लाया जाए, पहले तो उनको समझाया जाए, अगर नहीं मानते तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। और इसके लिए आप लोग सब लोग मिलके एक मीटिंग करें, ताकि देखिए वीडियो बनाने से अश्लील मुक्त नहीं होगा, पहले अश्लील को मुक्त करने के लिए मतलब खुद को अश्लील मुक्त होना पड़ेगा, खुद को अश्लील मुक्त होना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा और खुद को एक नई सीख देना पड़ेगा। तो हम
जो वर्ड हमारे मुंह से गलत निकले थे उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं सभी YouTube फैमिली से, क्योंकि देखिए वो अगर कोई बच्चा देखता है तो अभी उसके ऊपर बुरा असर जाएगा मतलब, और नहीं कहा जा रही हो, और यहाँ तक कि हम दो तीन वीडियो रिमूव भी कर दिए, अनलिस्ट कर दिए, इसलिए कि देखिए उसमें थोड़ा वर्ड गलत बोला गया था इसलिए हम कर दिए। चलिए ठीक है, आप गलत बोलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्तों हम बोलेंगे, हम लोग आज जा रहे हैं कहीं, कहाँ जा रहे हैं? नहीं, सबसे पहले बात हमें कहते हैं अश्लील मुक्त करने का, अश्लीलता को बढ़ावा कहीं न कहीं, देखिए हम ही नहीं कहते कि कोई दानी है, हम सब दे रहे हैं, हम ही सब दे रहे हैं, और अगर इसमें हमारी, अगर मान लीजिए हम उसके घर गए हमारी ये गलती है तो आपको भी ये चीज कहना चाहिए, हमें कहते हैं आपको वीडियो डाल के उसके तरफ से बोलना नहीं चाहिए, इसलिए हम वो छोड़िए और ये चीज लेके चल रहे हैं कि ऐसे लोगों को बायकट करना, कोई का कोई नहीं बोला था बायकट करने के लिए, सबूत है मेरे पास, कोई नहीं बोला था। एक समय था गुड़िया गोरखपुरी थी, वो उठाई थी आवाज, लेकिन दब गया, कोई नहीं उनके ऊपर बोला, हाँ, कोई उनकी तरफ से बोला नहीं था तब। हमारे यहाँ जब आज आया ना वो थुकैली का, एक मिनट रुक जाओ, अभी रखते हैं, कोई देखने पहले ही जरूरी, वो जरूरी बाद में, यहाँ तक भी कि दोबारा जब आया हम मीडिया वाले खदेड़ने लगे, वो भाग गया, तभी हम देखिए यहाँ सबसे हाथ जोड़ के ये बोले कि झगड़ा मत यहाँ किया जाए, क्योंकि वो चला गया, और सबसे पहले गुड़िया गोरखपुरी खिलाफ हुई थी उसके ऊपर कि हमारे नाम से बोल बनाया है, और सब लोग मिलके, देखिए हम ही नहीं कहते हैं कि अगर वही चीज आज उस दिन अगर सब लोग मिलके किए होते तो आज ये दिन आता, और ही कोई बायकट नहीं किया था, एक बार जान लीजिए, ये तो सही है, कोई बायकट नहीं, और जो मतलब आज उसका बायकट करने के लिए बात कह रहा है वही उनसे कम्युनिटी मरवा रहा था, देखिए इसीलिए वो चीज को हम मुद्दा उठाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम उसी बोले कि उसके बारे में वीडियो इसके खिलाफ नहीं बनाएंगे, और बस मैं अश्लीलता के खिलाफ ये बोल रहा हूँ कि देखिए चलो आओ हम सब मिलकर अश्लीलता को मुक्त करें, एक सुनहरा भविष्य, सुनहरा समाज दें, क्योंकि जो भी छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब लोग देखते हैं वीडियो देखने के बाद डर जाते हैं माता पिता, कहीं हमारा बेटा गलती से देखने, तो इस चीज को लेके मैं कहना चाहता हूँ मैं आपसे लड़ाई नहीं करूंगा, इसलिए ये नहीं कि मैं कायर हूँ, ये कि मैं अब समाज मतलब समाज में क्या कहते हैं छोड़ो उसको, समाज में अच्छे चीज लाने का हमने ठेका ले रखा है, अब हम ये चीज बोल रहे हैं, क्योंकि और आप लोग भी साथ देना है, तो आप सभी यूट्यूबर लोग जो भी अगर अश्लीलता को खत्म करना चाहते हैं, अश्लीलता के खिलाफ है, तो कमेंट करिए कि हाँ हम लोग अश्लीलता के खत्म करना चाहते हैं, और क्या आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो अश्लीलता को खत्म करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, सभी बड़े यूट्यूबर, और जहां तक हो सके वीडियो को जो भी लाइक ना करें, चलिएगा शेयर जरूर करिए, और हम लोग अगर जो भी अश्लीलता मुक्त करना चाहता है कमेंट जरूर करे, और जो अश्लीलता के खिलाफ आना चाहता है कमेंट करे, और जो अश्लीलता बना रहा है उसके ऊपर एक्शन लेना है तो कमेंट करे, और जो अश्लीलता बना रहा है उसको सबक सिखाना है तो सबसे पहले आप लोग संपर्क करिए हमसे, और जो भी चीज है आप लोग कमेंट करके बताइए, और यहां तक कहना चाहते हैं अगर अश्लीलता प्यार से नहीं मानेगा उसके ऊपर हमारी टीम कानूनी कार्रवाई जरूर करेगी, जो भी होगा, हमारे यहाँ के सभी लोग अश्लीलता के खिलाफ है, तो हम अपने यूपी को स्वच्छ बनाना है दोस्तों, मैं अपने बेटे का शपथ लेता हूं कि यूपी को स्वच्छ बनाने के लिए हम लोग एक छोटा सा प्रयास करें, मात्र 10% अगर प्रयास करते हैं तो यूपी की गरिमा बदल जाएगी, खिलाफ है तो हम लोग भी खिलाफ है अश्लीलता, और देखिए मैटर झगड़ा में झंडा में जो भी हुआ है उसको देखिए उसको साइड में रख लेंगे, अश्लीलता को और चलना है ना, तो मैं इस मुहिम को आज से बना रहा हूँ, और जो लोग भी करना चाहते हैं इसमें भाग लीजिए और कमेंट करिए, हम लोग मीटिंग फिक्स करेंगे एक तरफ रह के, जो कि जिसकी जैसी पदवी रहेगी देखिए उस हिसाब से वैसा रहेगा, जो कि जिसका जैसा लेबल रहेगा उस हिसाब से उसको काम दिया जाएगा, कि आप इस चीज को बखूबी करिए, बाकी आप क्या करते हो वो चीज ना, परिवार में आप कुछ भी करिए, जो अश्लील वीडियो बनाता कोई भी हो, फलाना डिमका कोई भी हो, सबकी रलाई एक तरीके से करे, उसको सब लोग मिलकर रिपोर्ट मारे, नॉट इंटरेस्टेड करे, ब्लॉक करे उसके वीडियो को, और प्लस उसके ऊपर FIR करे, अगर वो न माने वीडियो बनाना बंद करे तब, और लक्ष्मण को मैं चेतावनी दे रहा हूँ सीधे कि सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर सबसे पहले एक्शन लिया जाएगा, इसलिए क्योंकि हम लोग शुरुआत कर दिए हैं, और बस यही कहना चाहता हूं, तो आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आइए, और मैं
अपने बेटे का शपथ झूठे नहीं लिया हूँ कि अश्लीलता के खिलाफ जा रहा हूँ, अश्लीलता को वो चीज करना चाहता हूँ। हमारी टीम आपके साथ है, हम सब आपके साथ है, तो हमारा साथ दीजिए, सहयोग दीजिए, सबको करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम अपने से हम इस चीज को खत्म करते हैं, और आप भी हमारा हाथ पे हाथ मिलाना चाहते हैं तो आप भी कमेंट करिए, और सबसे पहले हम अपने आप को साफ करेंगे तभी दूसरों को तभी गंदा कह सकते हैं। आज जब हम खुदा नहीं साफ रहेंगे और तो कैसे कहें। और हाँ, कुछ लोग इस पर वीडियो मत बना देना कि हम तो साफ हैं। अरे बुराई सबके अंदर है, इसलिए बुराई को मिटाने के लिए सबसे पहले अपने आप को एकजुट होना पड़ेगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और बाकी अगर एक औरत को जरूर अगर उस औरत को ये चीज बुरा लगा हो तो आप उस चीज को समझिए आखिर क्यों कहा गया था। हो सकता है इसमें बहुत बड़ा खुलासा है कि ये शो के साथ हमारे साथ शो के वीडियो बनवाई है तब प्रमोट हुई है, इसके लिए आप खुलासा आपको है, क्योंकि हो सकता है आपके साथ जो लोग गलत कर रहे हैं उन लोग का पर्दाफाश होगा कहीं ना कहीं। देखिए हम भी आपके तरफ से इस चीज को कह रहे हैं, बाकी आपने जो गलत किया है उसका चीज पब्लिक देखेगी, मैंने जो गलत किया है उसका चीज पब्लिक देखेगी।